कल यानी 24 दिसंबर को किसानों का एक झुंड गुलबर्गा डीसी ऑफिस से बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ बेलगाम चलो आंदोलन स्टार्ट करने जा रहा है। कर्नाटक प्रांत रईस संघ ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदार गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में हो रहे किसानों के साथ नाइंसाफी से नाराज होकर कर्नाटक हुकूमत के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किए हैं। मंडे 26 दिसंबर को बेलगाम असेंबली सेशन स्टार्ट होने जा रहा है और किसान बेलगाम असेंबली के सामने आंदोलन का प्लान कर चुके हैं। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के किसान पिछले कई महीनों से प्रोटेस्ट कर हुकूमत से इंसाफ की मांग कर रहे हैं, पर अब तक इन किसानों की बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। सेड़म और चितापुर में ओरिएंट और श्री सीमेंट फैक्ट्री के जरिए खरीदी गई किसानों की जमीन का असल रकम और किसानों के साथ किए वादों को अब तक पूरा नहीं किया गया है और बारिश में फसल खराब होने से किसानों का जो नुकसान हुआ है अब तक उसका मुआवजा भी नहीं दिया गया। किसान लगातार तोड़ बोड़ एस्टैब्लिशमेंट की मांग कर रहे हैं पर कोई सुनने को तैयार नहीं है और इसके अलावा किसान MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानून बनाने का मुतालिबा भी कर रहे हैं। कुल 4 डिमांड के साथ लगातार किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं पर मौजूदा बीजेपी हुकूमत इन किसानों को नज़रअंदाज कर रही है। कल यानी 24 दिसंबर को किसानों का बेलगाम चलो आंदोलन गुलबर्गा DC ऑफिस से स्टार्ट होने वाला है। ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಗರಿ ಮೇಲೆ 50% ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಕ್ಷಯ ದಾಸೋಹ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಊಟಕ್ಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಪ್ರತಿ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ 3 KG ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುತುವರ್ಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. यहाँ पे देखिए, जो लैंड एक्वायर करने के टाइम जो वादे करी थी कंपनी, वो वादों में से कोई वादे भी पूरे नहीं हुए। जैसे कि यहाँ पे जिनका खेत लिया जा रहा है उनके फैमिली मेंबर्स को नौकरी दी जाएगी। अब यहाँ बड़ी कमाल की एक बात है, देखिए एक आदमी है किसान जिसकी उम्र करीब 80 साल है, अब उसको ये बोला जा रहा है कि तेरे बेटे को ही नौकरी देंगे, तेरे पोतर को नहीं देंगे, पोतरे को नहीं देंगे, फिर कैसी बात है ये सुनिए। किसान का खेत चला गया, वो 80 साल का है, उसका बेटा जब 60 साल का है तो अब उसके परिवार से नौकरी किसको मिलना चाहिए? तो नेक्स्ट जो यंग जनरेशन है, फैमिली में जो रिलेशन है उसका, वो रिलेशन फैमिली मेंबर्स को बोला गया है ना, तो फैमिली मेंबर्स में जो केपेबल है जॉब के लिए उनको लेना चाहिए, लेकिन इस तरीके से कर नहीं रही है कंपनी यहाँ पे, एक धोखा है। और साथ ही साथ जो है अतराफ के गाँव में, जो तकरीबन 4-5 गाँव इस फैक्ट्री के सराउंडिंग में है, यहाँ डस्ट पॉल्यूशन से तकरीबन एक रफली अंदाजा भी किया जाए तो 400 से 500 एकड़ की फसल जो नुकसान हो रही है, ये फसल की नुकसान की जिम्मेदारी भी श्री सीमेंट फैक्ट्री है। ये फसल के नुकसान का भी मुआवजा देना चाहिए किसानों को, और साथ ही साथ जो जमीन की कीमत जो अदा नहीं की गई है लैंड एक्वायर करने के वक्त, उसमें जो नाइंसाफी हुई है वो नाइंसाफी खत्म होना है। और कुछ मामलात में जो केसेस दाखिल किए गए हैं किसानों के ऊपर, जो झूठे केस किए गए एक आंदोलन करने की वजह से, ये के फॉल्स केसेस वापस होना है। अब इस यहाँ जगह पे आप देख सकते हैं, इतनी ठंडी के मौसम में यहाँ पे औरतें आदमी बच्चे सारे लोग रात दिन धरने पे बैठे हैं, और बड़ी शर्म की बात है, अफसोस की बात है कि यहाँ से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक MLA एक MP आज तक इनको जरी सी फिक्र नहीं है कि ये किसानों का हाल कुछ है, लेकिन जब वोट मांगना है तो यही किसानों के घर जाते हैं, इनके पैर पड़ते हैं, इनके आगे हाथ जोड़ते हैं, इनके आगे भीख मांगते हैं वोट की। लेकिन आज जब ये किसान परेशान हाल है तो ये सेड़म का ना MLA आने के लिए तैयार है, ना गुलबर्गा MP आने के लिए तैयार है, और ना कोई गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव आके यहाँ देखने के लिए तैयार है। तो यही वजह से जिस तरीके से गुलबर्गा के किसान तोर मूवमेंट लेके चले हैं, तोगरी मूवमेंट लेके चले हैं, जो तोगरी बोर्ड होना है, तोगरी के लिए MSP होना है, और जो फसल नुकसान है जिसके लिए 25,000 पर एकड़ का मुआवजा का डिमांड है, वही डिमांड के साथ
कुर्ला के किसान भी अपने हक के लिए आवाज उठाते हुए गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के सारे किसानों के साथ बेलगाम अधिवेशन पहुंचेंगे। कल गुलबर्गा 24 तारीख गुलबर्गा डीसी ऑफिस से किसानों का जाथा अधिवेशन के लिए रवाना होगा। बेलगाम में धरना होगा, जहां पे बीजेपी हुकूमत असेंबली सेशन करती रहेगी, बाहर किसानों का सेशन चलता रहेगा। और ये बीजेपी हुकूमत जिस तरीके से आज खामोश बैठी है किसानों के साथ नाइंसाफी पे, इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे आने वाले इलेक्शन में। ये हम चैलेंज करते हैं, अगर ये कोल्ला गांव के ये जितने अतराब के किसानों के जमीने राजोड़ है, बेनट नल्ली है, ये गांवों के किसानों के जो जमीने हड़पी गई है फैक्ट्री के जरिए, इनको अगर इंसाफ ना मिले, अगर इनको इंसाफ की कीमत नहीं मिलती है और इनके घर वालों को, परिवार वालों को जैसा वादा किया गया था नौकरी नहीं मिलती है, और जो केसेस दाखिल किए गए वापस नहीं होते हैं, और जो डस्ट पॉल्यूशन से जो फसल तबाह हो रही है इसका मुआवजा नहीं मिलता है, तो आने वाले इलेक्शन में गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बल्कि हैदराबाद कर्नाटका रीजन, कल्याण कर्नाटका रीजन में बीजेपी को जीरो कर देंगे किसान। यहाँ पे एक भी सीट जीतने के जैसी इनकी हालत नहीं छोड़ेंगे। और सेड़म एमएलए तो ये याद रख ले, अगर गुलबर्गा एमपी भी ये याद रख ले, अगर ये चितापुर गुलबर्गा सेड़म ये जो किसानों के मसले हैं, कोल्ला राजोनोड़ बैनक नंडी, ये किसानों के मसले खत्म नहीं होते हैं, तो ये फिर यहाँ से बीजेपी अपना तय कर ले के यहाँ से किसान इनकी डिपॉजिट जब्त कराएंगे। थैंक यू। ವಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಸಿ ನಾ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ರು ಇವ್ರು ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಕೇಸಿ ಹೇಳಿ ಕೇಸಿ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಮ್ಗೆ ರೈತ ಮಕ್ಳಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸುತ್ತಾಳಿನಾರು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಕೇಸ್ ಒಳ ಕಂಪ್ನಿಯಾಗ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೋತಾರ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನ್ ಕರ್ಕೋತಾರ ಹೇಳು? 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಗಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರ ಮೇಲೆ? ನಾವ್ ಏನ್ ಉಂಡು ಮಾಡಿವೋ, ನಾವ್ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನಾವು ಸಾಲಿ ಕಲಿಸಿವೋ ನಾವು, ಅದ್ರದ್ದೇನಾದ ಹೇಳು? ಅವ್ರಂದ್ರು ಒಂದೊಂದು ಲಾಕ್ ಎಡ್ ಲಾಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕುಂತ ಅವ್ರು ಪಗಾರ ತಗೋತಾರ, ನಾವ್ 12,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ರೈತ ಮಕ್ಳಿಗೆ? ನಾವ್ ಭೂಮಿ ಭೂಮಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕ ಒಬ್ರಿಗೆ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ 8,00,000 ಕೊಟ್ರ, ಒಬ್ರಿಗೆ 4,00,000 ಕೊಟ್ರ, ಒಬ್ರಿಗೆ 6,00,000 ಕೊಟ್ರ, ಒಬ್ರಿಗೆ 12,00,000 ಕೊಟ್ರ, 15,00,000 ಕೊಟ್ರ, ಮತ್ ರೈತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಗುಂಟೆಗೆ 2,00,000 ಕೊಡ್ಲತ್ತಾರ, ಒಂದೊಂದು ಎಕರೆಗೆ 80 ಕೊಡ್ಲತ್ತಾರ. ನಮ್ ಊರಿಗೆ ಏನ್ ಕಂಪನಿ ಇದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ? ಒಂದ್ ರೋಡರ ಒಂದ್ ಏನ್ ಮಾಸ ಆಯಾದ ಹೇಳಿ ಕಂಪನಿ ಹಾಕಿ, ನಾವ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾವ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ, ರೈತ ಮಕ್ಕಳ ನಾವ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ? ಕೊಟ್ರ 8,00,000 ಕೊಟ್ರ, ವಾ ಈಗ ಗುಂಟೆಗ 2,00,000 ಕೊಡಕತ್ತಾರ, ಗುಂಟೆಗ 2,00,000 ಕೊಟ್ರ ದಾರಿ ರೋಡಿ, ಈ ನಮ್ಗೇನಾದ ಅದೇ 8,00,000 ಕೊಟ್ರ, ಒಬ್ರಿಗೆ 12,00,000 ಕೊಟ್ರ, ಒಬ್ರಿಗೆ 4,00,000 ಕೊಟ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಲ ತಗೊಂತಾರ. ನಾವ್ ಬದುಕದೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕರ್ ನಾವು. ನಾವ್ ಏಟ್ರ ಓದ್ಯಾದ್ರಕ ಬಂದ್ರಕ ನಾವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀನ್ ಜತ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ. ನಾವ್ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ ಕಟ್ಟಿ ದೂರ ಆಗಿದೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರ ರೇಟ್ ಕೊಡತಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೇನಂದ್ರು ಹೊಲ ತೊಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರು, ನನಗ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗ ಅಂದರು. ನಮ್ ಊರಲ್ಲಿ ನಾ ಬೆಂಗ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಗುಳೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು, 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ಕೊಡಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಕೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಈಗ ನೋಡಪ್ಪ, ನಾವು ಹೆಣ್ಣು ಜಾತಿಗಳು ಏನೋ ಮತ್ತ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಕಡೆ ಕುಂಡೆದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಕೂಡ ನೋಡಾಯ್ತೀನ.